थी, मतलब ना वो बब्जी से डरती है ना लेडी ऑली से, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सबको डोमिनेट करने वाली है। अभी भी एक जर्मन शेफर्ड एक रॉटवाइलर को डोमिनेट कर सकता है, मतलब सारा ध्यान ना शरारतों में, पढ़ाई लिखाई में ना कोई ध्यान नहीं है आपका कोई भी। मंडे मॉर्निंग और ज़ोई, उसके नीचे रॉक्सी, बब्जी, नो, चला पपे, चला मेरे साथ। जो लोग सोच रहे थे कि हम बब्जी और लेडी ऑली को बाहर बालकनी में रखते हैं, हम नहीं रखते हैं भाई साहब, वो खुद रहते हैं और वो गार्ड डॉग्स हैं। और चकले देखो, इसकी पानी टपक रहा है इसके मुंह से, है लारे टपक रही है लारे। आज लेडी ज़ोई के 3 टिक्स निकले हैं, तो इसको वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट करानी है, और अगर पपी की एज 90 डेज से नीचे है तो एंटीटिक्स का वो कुछ लगा नहीं सकेंगे, तो हमसे घर का खाना नहीं खाया जाता। फिर पहुंच गए ना राजू चाट भंडार, ये खाने काठी कबाब, और गाइस यहाँ पे है दही भल्ला। ऐसे हमें कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे जिम से मैं चुरा के ले आऊंगा, मशीन ऑयल तक इनसे चुराया नहीं गया। जोई तेको खाना खाने की बुला रहे, तो क्यों नहीं जा रही बेटे? जा रही, जाओ खाना खा के आओ। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है सुबह सुबह? क्या चल रहा है, दिख रहा है ना, मजा कर रहे हो? वेरी नाइस। तो मेरे से भी ज्यादा ना सिंसियर हो, मैं नहीं नहा के बैठी, तुम तो नहा धो के पूजा में लगते हो। ठीक, क्या चल रहा है? मेरा फोन क्यों लेकर आया? भैया लेके गया था ना, तेरी यही जॉब है सबके फोन यहाँ वहाँ से सबको देना है। दो मम्मा का कौन सा है इसमें से? मेरा वो है। मम्मा का फोन कौन सा है? इसको ये भी पता है कि मम्मा का फोन ये है। वो किसका फोन है आपके पास जेजू? वो भैया का फोन है, भैया का फोन है वो। क्या कर रहा है जे कोहली? तेरे पास एक ही टी शर्ट है ये, है ये दो तीन टी शर्ट ही बदल बदल के पहनता रहता है। चलो ब्लॉक्स लगाओ, शिवाय कम ब्लॉक्स के लगाओ, जल्दी करो। ये हुक्के की निप लेके क्यों घूम रहा है तू, है इधर आ। सारे ब्लॉक्स बिखरा के बैठे हुए हैं दोनों बच्चे। आप ब्लॉक लगाओ। हाँ, ये किस में क्या लगा रहे हो आप? आपको तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती जे। हाँ ब्लॉक्स लगाओ, दिखाओ मम्मा को। ये कौन सा है? ये आर है, आर में लगाओ। फोन दो पहले, तो अभी पैदा हुए नहीं हो, फोन पहले चाहिए। आर किस में लगेगा? आर, ओ वाओ जे, क्लैपिंग जिनू क्लैपिंग। ये है, अच्छा आप एक काम करो ना जे, आप ये के लगाओ जरा, मम्मा को के लगा के दिखाओ, देखते के को सही लगाता है कि नहीं। गंदी बात, गलत, बिल्कुल गलत, के है वो, इसमें आएगा, इसमें जल्दी लगाओ जी। सारा ध्यान ना शरारतों में, पढ़ाई लिखाई में ना कोई ध्यान नहीं है आपका कोई भी। पापा हिया, पापा हिया, पापा आए, पापा आया। अच्छा मामू की शादी में कौन से सॉन्ग पे डांस करेगा? बाला 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 बाला। मुंह में नहीं डालना, गंदी बात, कितना गंदा बच्चा है, मुंह में डालता है। मार पिट्टी खाऊंगी तेरी, बहुत मार करूंगी तेरी, गंदी बात। तो गाइस अभी अभी मैंने अपनी ऑफिस की कॉल ख़त्म करी है और सुबह से मैं उसी के ऊपर काम कर रही थी। आज एक चीज़ की प्रेजेंटेशन थी, वो दे दिए, मतलब काफ़ी टाइम से वो चीज़ पेंडिंग चल रही थी, तो उसको आज डिलीवर करना था, तो वो हो गया। अब बाकी का जो काम है वो मेरा खुद का है, कोई मीटिंग नहीं है शाम तक, और बस अब थोड़ा मैं इनके साथ भी इनको खाना वाना खिला दूँ, खुद भी खा लूँ, फिर बैठती हूँ, जो काम है आज का निपटा लेती हूँ ऑफिस का। और ज़ोई को भेजा हुआ है ऊपर राहुल के पास ऑफिस, क्योंकि नीचे वो हमें काट रही थी। ज़ोई बहुत ज़्यादा गुंडी हो गई है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आप मुझे ज़रा कमेंट करके ये चीज़ बताना, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़ोई कहीं इनकी सबकी अल्फा ना बन जाए? क्योंकि हाँ, क्योंकि ना ज़ोई जो है ना बिल्कुल ही, मतलब ना वो बब्जी से डरती है ना लेडी ऑली से, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सबको डोमिनेट करने वाली है। तो ज़रा आप अपने व्यूज़ बताना कि आपको लगता है कि कभी भी एक जर्मन शेफर्ड एक रॉटवाइलर को डोमिनेट कर सकता है? मतलब आई डाउट कि अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने ज़ोई का जो बिहेवियर है ना, उसको बब्जी से भी डर नहीं लगा, या तो अभी तक बब्जी ने उसको वापस अटैक नहीं किया शायद इसलिए, पर आई डोंट नो, और मे बी इट इज़ कि फीमेल डॉग्स आर मोर डोमिनेटिंग दैन मेल डॉग्स, दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न, बट आई वॉन्ट योर व्यूज ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आप क्या कर रहे हो ये? एप्पल जूस। एप्पल जूस किसके लिए? जे, ये उसके साथ खा लेता है एप्पल जूस, मतलब ये नहीं कटाते हैं ऊपर से? उसको कटा देगा, छानने से छान लेगा, छान लोगे फिर। और आज हमने बनाया लंच में चावल, यहाँ उबल रहे हैं जे वेट, और यहाँ बन चुकी है पीली दाल। नौमी दीदी ने मेरी हेल्प कर दी थी बनाने में, मैंने फटाफट सुबह सुबह इसका तड़का लगा दिया। नौमी दीदी बस प्याज काट लेना, ठीक है, सलाद का।
अभी तो भैया ने पराठे खाए हैं नमक मिर्च के, तो मेरे ख्याल से थोड़ी लेट खाएंगे, मैं खा लूंगी आधे घंटे तक, ठीक है ना। हम बच्चों को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे दोनों। तो गाइज आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दो दो प्लेट्स क्यों लाए हो आप, तो दो दो प्लेट्स हमारी बेसिकली ये है बात इसके पीछे कि ये दो सिल्वर प्लेट्स, एक तो YouTube आपको कॉम्प्लीमेंट्री देता है और एक आप YouTube से खरीद सकते हो। तो बेसिकली हमने दो इसलिए खरीदी थी क्योंकि हमने सोचा था हम इसको एक को तो यहाँ इस वॉल पे लगा देंगे और दूसरी हम राहुल के ऑफिस में प्लेस कर देंगे, तो इसीलिए हमने एक खरीदी थी YouTube से। तो यू कैन बाय एज मेनी एज एडिशनल प्लेट्स यू वॉन्ट टू परचेज फ्रॉम YouTube, एक वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एज एन अवार्ड। मंडे मॉर्निंग और ज़ोई, उसके नीचे रॉक्सी, क्या हाल है तेरा है? और इधर देखो लेडी ओली बब्जी, बैठे रहो सारे, ये टेबल पे चढ़ के बैठी हुई, अलग अलग रखने का यही तरीका। ये दोनों कह रहे हैं हमें बाहर जाना है, जाओ जाओ बैठ जाओ, सिट। कोशिश भी मत करियो नीचे कूदने की, चुप रॉक्सी। क्या है, मेरे को चाटने से कुछ नहीं होगा, समझ आ गई? चलो इधर 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 चलो, इधर जाना इधर चलो, चल ओला, लेडी ओली कम, बब्जी नो, चला पप्पे चला मेरे साथ, तू बैठो सिट, बैठ जा बैठ जा। तो देखो वहां पे वो शुरू हो गए ना, अब मुझे इनको ऑफिस से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ज़ोई 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 रॉक्सी ज़ोई, समझ नहीं आ रही तेरे को? अब मैं सिर्फ यहां पे जाऊंगा, है ना बुब्बे? आज ऑफिस के अंदर बब्जी मुझसे बहुत प्यार ले रहा है, और उधर देखो ज़ोई कैसे बैठी हुई है, और उधर देखो रॉक्सी कैसे बैठी हुई है नीचे, क्या हो गया आज? पर हमने लेडी वाले को धक्के मार के बाहर निकाल दिया ऑफिस से, क्योंकि वो बदतमीजी कर रही थी और इन चारों को, इन तीनों को परेशान कर रही थी। तो अब ऑफिस के अंदर तीन रह गए हैं और बड़े आराम से बैठे हुए हैं हम, और सारे एसी की हवा ले रहे हैं, लेडी वाली गर्मी में तड़पती है। मुझे नहीं पता इंडिया के अंदर कौन अपने ऑफिस के अंदर अपने डॉग्स को रखता है, पर इवेंचुअली मैं थोड़ा ज़्यादा ही केयर करता हूँ, या फिर आप ये लगा लो कि मैं ज़्यादा ही एडिक्टेड हूँ इनको अपने साथ ऑफिस में रखने के लिए। ज़ोई ऑफिस के टेबल पे बैठी है, रॉक्सी आराम से सो रही है नीचे, है बेटा सो जा सो जा, बब्जी यहाँ बैठा है, और लेडी ओली बैठी है ये। हाँ जी, अब अपनी तो मैं एंग्जाइटी हो रही, अभी क्या हो रहा था जब ये मिली थी इससे, तो इसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, अब नहीं हो रही। रॉक्सी बच्चे सो जा, और ये देखो ऐसे ज़ोई को, तुझे क्या हो रहा है तू भी बता दे। और देखो बब्बा कितना शरीफ लग रहा है इस टाइम, है ना, वो भी मेरा बच्चों, ये लो उठ के आ गया ना मेरे पास, ये लो फुट। और आप वंडर कर रहे होंगे कि कैसे मेरे एम्प्लॉयज इतने डेंजरस डॉग्स, इतने सारे डॉग्स आज ऑफिस में रहते हैं। तो हम एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के घूमते हैं, और जब भी मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ही ये आते हैं तो ये सब इतना जॉयफुल हो जाते हैं अंदर से कि इनका खेलने के लिए, और जैसे ही हमारा पूरा दिन चला जाता है अपने डॉग्स के साथ, और काम भी साथ में होता रहता है। जो लोग सोच रहे थे कि हम बब्जी और लेडी ओली को बाहर बालकनी में रखते हैं, हम नहीं रखते हैं भाई साहब, वो खुद रहते हैं और वो गार्ड डॉग्स हैं, और उनका मन करता है ओपन में रहने के लिए, और गार्ड जो इनकी इंस्टिंक्ट है हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म इनका ऑन रहता है। जो लोग घर के अंदर रॉटवाइलर्स रखते हैं, हमने बब्जी को घर के अंदर भी रखा है इनिशियली 1.5 साल, बट इवेंचुअली जैसे ही लेडी ओली आई, ये घर के अंदर थे,
तीन चार महीने, पर उसके बाद इवेंचुअली जैसे ही हमने शिफ्ट किया तो इनको एक स्पॉट मिल गया जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कन्फाइनमेंट ट्रेनिंग। जब हम देते हैं, जब आपका छोटा घर होता है तो आप उसे शॉर्ट कन्फाइनमेंट ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि डॉग को कब फ्री होना है, तो आप उसको लेके जाते हो। लॉन्ग कन्फाइनमेंट के अंदर इनका बेड भी होता है, टॉयलेट भी होता है और इनका प्ले एरिया भी होता है। तो ये बालकनी इनका लॉन्ग कन्फाइनमेंट एरिया है। अभी मैं आपको दोपहर का टाइम दिखाऊंगा, मौसम इतना अच्छा हुआ है दिल्ली के अंदर, इस टाइम वेदर बहुत अच्छा है, बारिश होने के पूरे पूरे आसार है, ठंडी हवा चल रही है, बड़ी मुश्किल से गर्मी से राहत मिली है दिल्ली वालों को। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों कर क्या रहे हैं। रुको, ये बैठी लेडी वाली और वो बैठा है बक्सी, ठीक है, थके हारे और इतने भूखे हैं। ये देखो ऊपर ना इनका खाना पड़ा और आज हमने खाने के अंदर दही अंडा और साथ में थोड़ा सा मट्ठा डाला है। ये देखो चकले, देखो इसकी पानी टपक रहा है इसके मुंह से, है लारे टपक रही है लारे। क्या हुआ तुझे, है भूख लगी है तुझे भी लेडी वाली, बता ना। ये देखो ये दोनों ऊपर ही देखे जा रहे हैं कि मैं कब खाना दूंगा। अब मैं सबसे पहले आज खाना देता हूँ बब्जी को, तो बब्जी का खाना ये गया लेडी ऑली का खाना। सिट, वेरी गुड। और ये लेडी ऑली का खाना गया, साथ में पड़ा है पानी। अब ये दोनों मजे से खाएंगे और थोड़ी देर उसके बाद सुस्ताएंगे, है ना बब्बे, सुस्ता हो गया ना उसके बाद थोड़ी देर। लेडी ऑली की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये ना बड़ी तेज खाती है खाना। ये देखो कितनी तेज स्पीड से लेडी ऑली खाना खा रही है, हमने बहुत ट्राई किया बचपन के अंदर, ठीक है। ये देखो कितनी तेज इसके ना गप 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 गप, है ना ओला, कितनी तेज खाना खा रही है तू। आज इनके खाने के अंदर अंडे भी डले हैं तो आज इनको बड़ा मजा आने वाला है। हम गर्मियों के अंदर प्रेफर नहीं करते चिकन अंडा, हम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इनको दाल पल्सेस और ठंडी चीज़ें योगर्ट पनीर इन चीज़ों पे रखते हैं। इवेंचुअली थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है बट क्या करें, बच्चे की अंदर से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है इस ब्रीड के अंदर स्पेशली, और एग्रेशन तब भी ज़्यादा बढ़ता है। तो जब भी गर्मियों के अंदर आपके पास कोई बड़ी ब्रीड है चाहे छोटी भी ब्रीड है, ठंडा खाना दीजिए जिससे उनके अंदर पेट ठंडा रहे और दिमाग भी शांत रहे। तो अब हम दोबारा अपने ऑफिस जा रहे हैं और ये दोनों अब रेस्ट करेंगे, मिलते हैं आपसे नीचे बच्चों के साथ। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी खाना खाने से पहले मैंने अभी लेडी ऑली और बब्जी को खाना खिलाया और अब जोई घूम रही है सिर्फ इसी एरिया के अंदर। इधर तो अभी तुम फेंसिंग भी तो कराने वाले हो, कर दिया सुसु? हाँ ये रहा, तो इसको हमने प्रैक्टिस अच्छी डाल दी है धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही है। नहीं ये तो है कि अभी अंदर भी करती है लेकिन एटलीस्ट खाने के बाद बाहर ले आओ, तो इसको ये तो बताना कि पॉटी की वेट कर रहा हूँ मैं, और पॉटी के लिए मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। इसका कॉलर कहाँ है? कॉलर लाके दो। हाँ कॉलर लाके दो। तुम्हें पता लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड पपी के अंदर क्या प्रॉब्लम है गर्मियों के अंदर स्पेशली, कि ना इनको ना टिक्स होने का सबसे ज्यादा खतरा है। आज लेडी जोई के तीन टिक्स निकले हैं, तो इसको वैक्सीनेशन इसकी कम्प्लीट करानी है। और अगर पपी की एज 90 डेज से नीचे है तो एंटीटिक्स का वो कुछ लगा नहीं सकेंगे, तो हमें मैन्युअली चेक करके रहना पड़ेगा। वैसे भी ना ये काफी अफलातूनी लॉन्डी है, मैं तुम्हें रियलिटी बता, आज वीडियो में सबने कहा कि कहीं यही ना बन जाए बब्जी और लेडी ऑली और सबकी अल्फा। नहीं नहीं ये बन नहीं सकती, पूछ क्यों? क्यों मुझे ऐसा लगता है बिहेवियर वाइज कि ना बब्जी एटलीस्ट एनिमल्स के अंदर ना इस घर के अंदर किसी को भी वो बाउंड्री क्रॉस करने ही नहीं देगा, या तो वो उनको मार देगा इवेंचुअली किसी दिन फाइट करके। और वैसे भी हम जोई को घर में रखने वाले हैं, लेडी जोई घर के अंदर रहेगी 24/7, बब्जी और वो उन्होंने तो अपना गार्ड का ड्यूटी ली हुई है, वो बालकनी में रहते हैं, जब मन करता है घर में घूमते हैं, मन करता है नीचे सोते हैं, ये हिसाब है। क्या हुआ जोई, किस पे भौंक रही है? क्या हुआ है, किस पे भौंक रही है, हैं बता जोई? नहीं पता नहीं खाना, घर का खाना नहीं खाया जाता। फिर पहुंच गए ना राजू चाट भंडार ये खाने काठी कबाब, और गाइस यहाँ पे है दही भल्ले।
तेल नहीं है ये। और सर यहाँ पे लेकर आए जिम के लिए मशीन ऑयल और चुन्नू भरा हुआ है। सिर्फ 10 ml लेकर आए होंगे। और वैसे हमें कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे जिम से मैं चुरा के ले आऊंगा। मशीन ऑयल तक इनसे चुराया नहीं गया। सर मेरी बात सुनो, इसको अपनी जेब में डाल लो, मैं कल खरीद। ये मुझे पता क्या लग रहा है, वो फेविक्विक नहीं होती, एडी लाइट नहीं होती, वो क्या होती राहुल ना यार, ये बंदे के बस की कुछ नहीं है, बस इनसे ना बॉडी बनवा लो। देखो सर कैसे लगा रहे हैं। अच्छा और ये झूला, ये हम रहने देंगे? ये लो खत्म। सर तुम ना सिर्फ आ वड्डा है, तुमने पंजाबी लैंग्वेज में, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ जान पे खेल के जरा सा मशीन ऑयल है। इनकी जान की कीमत ना 10 rupees का मशीन ऑयल है भाई। हम मतलब हम पागल हैं, ये सारी मशीन तो वैसी है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। मैं खुद ले आऊंगा, रहने दो, मुझे पता होता तुम ये ला रहे हो। तो रहने दो, तुम्हारी बातें ही बातें। क्या बातें होता है, कुछ भी। हाँ अपने काम ही ना करते। ऐसा कुछ नहीं, दो दो बच्चे पैदा किए अगले ने, उनसे ना होता कुछ। तुम्हारा एक बच्चा है, कुछ भी ना होता होगा तुमसे। मोटे से बहुत कुछ होता है क्या? कहाँ से हो गए तीन? तो ऐसे तो राहुल में कितने हो चुके हैं। तो राहुल और मैं यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं आईपीएल का। ये तुमने बंद किया है, बफर हो रहा है आईपीएल का फाइनल। और तुम्हें कौन लगता है कौन जीतेगा राहुल? मुझे ऐसा लगता है बारिश आ गई। शिट मैन, तो ऐसे में क्या होगा? अब मुझे नहीं पता क्या होगा, बारिश आ गई। अबे यार बारिश के कारण मैच रुका, बारिश कैसे हो सकती है? शुभम गिल का आउट कर दिया। शुभम गिल ने शुभनम गिल, शुभनम क्या? शुभनम, शुभनम गिल। लेकिन अब बारिश हो गई, कितनी देर वेट? तुम इतनी बारिश का फायदा उठा के डॉग्स को खाना खिला रहे हो ऊपर, लेडी ऑर्डर बब्जी को है और जोई को यहाँ हम खिला। शिवाय बंद कर उसे, शिवाय बंद। ये आइसक्रीम का कुछ करना, ये फ्रिज के यार मैं सोचू अमेजोन पे ना वो मिलते हैं जिससे ना लॉक हो जाता है, फिर पट्टी होती है, खोल नहीं पाते है ना, करूँ ट्राई। सो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10। शिवाय को हम ले आए वापस नानी हाउस से और क्लास किया जिसकी वहाँ पर, और अब हम बस जाने वाले हैं बेड पे क्योंकि मुझे नहीं लगता आईपीएल कंटिन्यू होने वाला है। कितनी देर वेट कर लेंगे बेचारे, और देख लेते हैं आधा घंटा नहीं तो। और आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, कौन सा जीते? हाँ अगर आज रिजल्ट नहीं है तो कल के ब्लॉग में जरा नीचे कमेंट करना कि कौन चाहता है कि गुजरात जीते। मैं तो किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीबी है मेरी फेवरेट। तो लेकिन अगर इन दोनों में से ही चूज करनी है तो सीएसके ऑफ कोर्स, ओनली फॉर धोनी, ओनली फॉर धोनी सीएसके। बट आप लोग गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हो। मुझे लगता है मैक्सिमम वोट सीएसके के लिए आने वाले हैं, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और दैट्स इट, गुड नाइट गाइज, बाय।